भाई 131 फ्लैट और सामने से क्रॉस हो रही है अपनी हम सफर। तो जी देख लो पूरा अनरैप कर दिया हमने और देखकर तो मुंह में पानी आ रहा है। देख लो भाई, देखो इसको मैं रोटेट कर सकता हूँ, देखो कितनी आसानी से रोटेट हो गया भाई साहब। उतर जाइए, बंद हो जाएगा गेट, फिर फंस जाएगा, फाइन लग जाएगा इसमें। उतर जाइए, देखिए बंद हो गया। अरे उतरिए उतरिए उतरिए, फाइन लगेगा। नहीं रुका। जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार, सभी को स्वागत मेरे एक और नए ब्लॉग में, मेरे एक और नए ट्रेन जर्नी में। तो फिलहाल मैं हूँ अभी बिहार की राजधानी पटना के पटना जंक्शन पे। तो मेरे पीछे आप लोग देख रहे होंगे ये ऑरेंज कलर की चमचमाते हुई वंदे भारत। तो आज इसका इनॉग्रल यानी उद्घाटन, देश भर में आज 12 वंदे भारत का उद्घाटन हो रहा है। मैं बता दूं आज डेट हो गया हमारा 12 मार्च 2024। 85,000 करोड़ रुपए की परियोजना हो रही है, रेल परियोजना। उसके साथ साथ 10 ऑरेंज कलर की वंदे भारत का आज जो है उद्घाटन हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं इस धमाकेदार ब्लॉक की और इस इनॉग्रल जर्नी की। तो जी ये देख लीजिए, यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हमारी वंदे भारत को लगाया गया। देख लो क्या लग रहा है भाई, बिल्कुल इंडियन रेलवे। और मैं बता दूं ये लखनऊ नहीं जाएगी, लखनऊ से और एक स्टेशन पहले होता है, गोमती नगर रेलवे स्टेशन तक जाएगी, यानी पटना से ये गोमती नगर तक चलेगी। वैसे बोल सकते हैं इसे लखनऊ, क्योंकि वो उसका एक आउटर स्टेशन है। वैसे मैं बता दूं इस ट्रेन से हम लोग आज 12 मार्च को आज इसका इनॉग्रल है, बाकी 18 मार्च से इसका कमर्शियल रन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन आज 12 मार्च को इसका जो है ना इनॉग्रल रन है। पटना से 2 वंदे भारत इनॉग्रेट होगी, एक हो गई ये पटना से गोमती नगर और एक जो है एक और आएगी न्यू जलपाईगुड़ी से पटना, वो इनॉग्रेट हो रही है न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से, लेकिन आएगी पटना ही, वो भी चलेगी। तो बिहार को आज मिलने वाला है 2 ऑरेंज कलर का वंदे भारत। भाई साहब मैं बता दूं इस वंदे भारत में लगभग 8 कोच होने वाला है, ये भी हमारा मिनी वंदे भारत है भाई साहब। 16 कोच वाला वंदे भारत नहीं है, 8 कोच वाला वंदे भारत है, वंदे भारत है। तो हमें मिला है C3, सोशल मीडिया को C3 और C4 कोच अलॉट किया गया है। तो फिलहाल देख लो ये हो गया अपना C3 कोच, और चलिए इंटर करते हैं और आपको मजेदार इंटीरियर दिखलाते हैं भाई साहब। देख लो भाई, सबसे पहले तो आपको फुटरेस्ट मिलेगा भाई, ऐसे ये हो गया हमारा। और भाई बाकी तो आपने देखा ही होगा अंदर से इंटीरियर, क्या मजेदार लग रहा है भाई, इसका सीट का कलर भाई मजेदार लग रहा है। चलिए आपको दिखा देते हैं इस मिनी ऑरेंज वंदे भारत का इंटीरियर लुक। तो मैंने बताया आप यहाँ से इंटर लोगे, अभी थोड़ा केटरिंग का सामान इंटर हो रहा है, तो जैसे ही आप लोग इंटर लेंगे आपको एक मिनी पेंट्री मिल जाएगा भाई साहब। क्या लग रहा है, यहाँ पे खाना गर्म होगा, बाकी पानी गर्म करने के लिए हॉट वाटर बॉयलर यहाँ पे रखा हुआ है। ये हो गया अपना मिनी पेंट्री, देख रहे हो यहाँ पे बॉटल सब रखा रहा है, बाकी ये हो गया अपना मिनी पेंट्री, चेयर कार हो गया। और भाई साहब देख रहे हो इसका सीट कंपोजिशन, मैं आपको बता दूं 3x2 का सीट कंपोजिशन होने वाला है, यानी अपना 3 कोच इधर रहेगा, 2 कोच इधर रहेगा, और ये मिडिल वाला सीट जिसको मिलता है ना भाई वो लकी रहता है। देख रहे हो क्या ही अच्छा लग रहा है भाई, इसको खोल देंगे ना तो ये और अच्छा रहेगा। तो चलिए आपको थोड़ा सा मैं इस कोच के इंटीरियर के बारे में बता दूं, तो मैंने बताया 3x2 का, और भाई लगेज स्पेस तो भाई एरोप्लेन जैसा लग रहा है। बाकी ये हो गया अपना टच लाइट, देख लो काम नहीं कर रहा है, कर रहा है। तो यहाँ बैठते हैं और आपको थोड़ा सा देखो भाई, यहाँ पे जो है ना आपको चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाएगा सीट के लिए, हर सीट के लिए अलग अलग, देखिए यहाँ पे भी है और दो उधर मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे बैठ के एक्सपीरियंस करते हैं भाई, अच्छा लग रहा है यार, मजा आ रहा है। बाकी मैंने आपको ऊपर टच लाइट के बारे में बताया और सीट का कंफर्ट बता दूं, तो भाई जैसा अमृतसर वंदे भारत मैंने कवर नहीं किया, लेकिन सुना है जैसा अमृतसर वंदे भारत है ना उसी का कलर इसमें भी दिया गया है भाई साहब, मस्त लग रहा है देखने में भाई। और इसका जो है ना इंक्लाइन यहाँ पे है, ये वाला प्रेस करिएगा ना आप तो इंक्लाइन हो जाएगा, देखिए ऐसे ये वाला प्रेस करिएगा तो इंक्लाइन हो गया, फिर इसको प्रेस करिएगा ना तो ये अपने आप ऊपर आ जाएगा, देखिए आ गया। ये कुछ इसकी फैसिलिटीज है। बाकी दोस्तों चेयर कार का लुक दिखाने के बाद, चेयर कार का इंटीरियर दिखाने के बाद हम लोग आ चुके हैं अभी इस मिनी वंदे भारत के एग्जीक्यूटिव कोच में। तो भाई आपको इस मिनी वंदे भारत में सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव का कोच मिलेगा, जिसका सीट कंपोजिशन मैं आपको बता दूं इसमें 2x2 का आपका सीट कंपोजिशन रहेगा। भाई क्या लग रहा है यार, मेरे को इससे प्यार हो गया यार, मजेदार। और मैं बता दूं सारी फैसिलिटी सेम है, बाकी इसका जो मैं बताया इसका सब लगेज इसमें सब सेम ही है, बाकी टच लाइट काम कर रहा है इसका, देखो भाई। और बाकी ये जो है ना 180 डिग्री जो है ना रोटेटेबल है, 180 डिग्री रोटेट करने में मेरी हेल्प कीजिए। कैसे रोटेट होता है मेरे को बताइए, पहले बताइए। लेग प्रेस है ना वहाँ पे, ये ऐसा लेग प्रेस है नीचे और इसको दबाना है, फिर ये 180 डिग्री जो है ना ये रोटेट हो जाए, ताकि आप विंडो का जो है ना मजा ले सके यहाँ पे बैठ के। मैं बैठ जाता हूँ देख लो भाई, देखो इसको मैं रोटेट कर सकता हूँ, देखो कितनी आसानी से रोटेट हो गया भाई साहब। बाकी यही आपको फैसिलिटीज मिलेगी चेयर कार से भाई, चेयर कार में रोटेट नहीं होगा, उसका फेयर कम होगा लेकिन इसका भी फेयर ज्यादा होगा, फैसिलिटीज दे रहा तू। बाकी आपका लेग स्पेस देखिए, चेयर कार से डबल ट्रिपल मैं बोल सकता हूँ इसका लेग स्पेस है ना भाई, लेग स्पेस है ना। बाकी ये हो गया अपना मैगजीन सॉकेट और ये ट्रे टेबल, ट्रे टेबल कहाँ दिया, अच्छा मैं भूल गया मैं एग्जीक्यूटिव में हूँ, ये हो गया अपना ट्रे टेबल भाई, ये देखो
ऐसे खुलेगा और ये जो है ना ऐसे। क्या बात है भाई, मैं पहली बार एग्जीक्यूटिव में, सही बता रहा हूँ, मैं पहली बार एग्जीक्यूटिव में आ रहा हूँ। मैं अभी प्लान कर रहा हूँ भाई, अगर हो सके तो करूँगा, लेकिन भाई बहुत अच्छा अच्छा फैसिलिटीज आपको मिल जाएगा। देख लो भाई, ये मैं इसको बंद ही कर देता हूँ, बंद हो गया। क्या मजेदार भाई, फ्लाइट फेल है भाई, फ्लाइट फेल है, मैं बता रहा हूँ आपको। बाकी चलिए, ये आपको मैंने बतला ही दिया, सारी चीजें सेम है। यहाँ पे भी आपको चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा, बाकी ये भी इंक्लाइंड है भाई, यहाँ से इंक्लाइंड हो जाएगा, देखो सही है। चलिए आपको दिखलाते हैं सीधा यहाँ से डिपार्चर। यहाँ देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे प्रोग्राम जो भी था, स्कूल के बच्चों को बुलाया गया था, अब इन लोग का भी एंट्री होगा, और अंदर जो भी कल्चरल प्रोग्राम था वो एंड हो गया, अब हमने मिस कर दिया भाई अंदर शूट करने में। बाकी इन लोग को एंट्री मिलेगा और इनसे भी इंटरव्यू लेंगे भाई साहब। भाई देख लो अपनी ट्रेन जो है ना क्लोज हो रही है भाई। तो जी लगभग 9:41 पर लगभग 40 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन जो है डिपार्ट ले गई पटना जंक्शन से। बाय बाय सर जी, बाय सर, बाय 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 बाय। भाई लोगों का क्रेज भाई बहुत तगड़ा है भाई, ये ट्रेन चलने वाली है भाई। मेन स्टेज जो था ना यहीं पर था, देख लो यहीं से जितना था ना सारा प्रोग्राम हुआ है। बाकी अभी फ्लैग ऑफ किए हमारे नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी। भाई अंदर माहौल तगड़ा हो गया यार, हर महादेव। चलिए हमारा डिपार्चर हो चुका है पटना के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। तो जी ट्रेन खुलने के बाद हमें पास मिला भाई, ऐसा हो रहा है पहली बार। फाइनली हमें मिल चुका है हमारा पास, इसको उठाइएगा। तो जी फाइनली हमें हमारा जो है ना हथियार, ताकि कोई लोग बोल ना सके कि तुम कौन हो, कहाँ हो, कार्ड मिला, ये कोई बोल ना सके। और सामने से क्रॉस हो रही है एक लोकल पैसेंजर ट्रेन, देख लो भाई, भाई 131 फ्लैट, और सामने से क्रॉस हो रही है अपनी हम सफर। और भाई यार 130 फ्लैट चले भाई, निकले हुए सिर्फ 5 मिनट हुए ना भाई, 5 मिनट हुए होंगे अभी पुलवारी शरीफ यानी अपना एयरपोर्ट निकला है भाई, देख रहे हो भाई 130 भाई साहब, वो देखो अपना एयरपोर्ट निकल रहा है अभी। तो जी गाड़ी खुलते के साथ हमें वाटर बॉटल जो है ना यहाँ पे दे दिया गया, वो भी 1 लीटर का भाई साहब, ऐसा नहीं है कि हाफ लीटर का भाई, 1 लीटर का अपना रेल मिल चुका है भाई साहब, मतलब अपना केटरिंग का जो सर्विस है ना वो स्टार्ट हो चुका है। दानापुर हम लोग स्किप करने लगे भाई, दानापुर को स्किप कर रहे भाई साहब। 130 किलोमीटर फ्लैट क्रॉसिंग भाई साहब, नहीं रुकेगा। चलो भाई साहब, भाई हमें ये एक रिफ्रेशमेंट मैंगो ड्रिंक दिया गया भाई साहब, ऐसा मुझे लगता था पहले एग्जीक्यूटिव में मिलता है, लेकिन भाई साहब अब यहाँ पे भी चेयर कार में भी मिलने लगा भाई, और अभी शायद हम लोग आरा पहुँचने वाले हैं। तो भाई साहब आपने देखा हमें पानी सर्व किया गया, फिर वो मैंगो जूस सर्व किया गया, अब देखो ये जो भी है रेलवे की तरफ से मिल रहा है हमें, IRCTC जो भी है ना उसी की तरफ से हमें प्रोवाइड किया जा रहा है। अरे भैया इसको खोल चुके हैं आप, अरे भाई साहब। तो जी जो हमें मिला था यहाँ पे वंदे भारत एक्सप्रेस IRCTC की तरफ से हमें नाश्ता मिला है सुबह का, तो भाई देखो इसको खोलते हैं बॉक्स को, भाई मैजिक बॉक्स है यार। ये सबसे पहले हमें मिला इंस्टेंट ट्रिप प्रीमिक्स जो कि है हमारा, ये बनेगा हमारा चाय, प्रीमिक्स चाय है, सबसे बेस्ट चाय है भाई प्रीमिक्स वाला। और उसके बाद हमें मिला एक ये केक मिला भाई, स्लाइस केक है। और भाई साहब एक और चीज़ हमें मिला है यहाँ पे, बादाम पकौड़ा है सर, हाँ नट क्रैकर है। और बाकी इसमें टेस्ट करने लायक हमारे पास ये है, गर्म नहीं है, ठंडा हो गया भाई। और बाकी एक हमें दिया गया हैंड सैनिटाइजर और एक टिशू, इसे टेस्ट करेंगे, इसी को टेस्ट करके बताएंगे, बाकी तो सारा हमारा पैक्ड आइटम है ये सब। बाकी चाय भी बनाएंगे ना तो आपको बता देंगे कैसे बनाएंगे, और उसके बाद इसको टेस्ट करते हैं, उसके बाद आपको इसका रिव्यू देते हैं। बाकी आपने देखा अभी हमें नाश्ता मिला और साथ में ये मिल गया भाई साहब, क्या है ये, मखाना है भाई, अपना मखाना है, इसे हम लावा भी बोलते हैं, बिहार में फेमस है ना इसीलिए मिला भाई, बिहार का फेमस है मखाना, इसमें अटता नहीं भाई इसलिए इसको अलग से दिया यहाँ। तो जी भाई इसमें तो ट्राई करने वाला हम आपको, ये बस यही है हमारे पास, ये क्या बोलते हैं कचौड़ी है, बाकी तो सब पैक्ड आइटम है, तो उसमें क्या ही बताएंगे आपको, बाकी इसको ट्राई करते हैं कैसा लगता है आपको बता ही देते हैं, गरम ठंडा हो गया, गरम नहीं है, बाकी ट्राई करते हैं और मजा आता है। आपको कैसा लगा? गरम लगा, वही बात है, अभी तो क्या कर सकते भाई, आज इनॉग्रल है उतना सहन कर सकते हैं, बाकी आप अगर कमर्शियल करते हैं ना तो आपको गर्म ही सर्व होगा, क्योंकि पेंट्री है भाई साहब, मिल जाएगा आपको। बगल में स्टेज है,
तो जी अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है आरा जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड हो गया ARA। और नॉर्मल ट्रेन को मैंने बताया पहुंचने में लगभग एक घंटे का समय लगता है, लेकिन हमारी वंदे भारत पहुंची सिर्फ 35 मिनट में यहाँ पे लगभग 50 किलोमीटर। और भाई यहाँ पे कुछ स्कूली बच्चों को जो है ना इंटर दिया जा रहा है। बाकी आरा जंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन हो सकता है पटना जंक्शन को जोड़ने के लिए। बाकी हमारा यहाँ पे पहुँचने का टाइम तो था लगभग 9:35 पे, लेकिन ट्रेन हमारी खुली थी लेट, 9:41 में हमारी ट्रेन खुली थी तो लेट ही पहुँची भाई साहब। बाकी देखो यहाँ पे स्कूली बच्चों को इंटर दिया जा रहा है। और आरा जंक्शन के बारे में और क्या बताएं भाई साहब, अपना बिहार है, फेमस है। बाकी कब डोर क्लोज हो जाए बहुत डर लग रहा है, इसीलिए भाई बाहर ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे। कब डोर क्लोज हो जाए पता नहीं चलेगा। और यहाँ पे जो मैं बताएं आपको स्कूली बच्चों को जो ना इंटर दिया जा रहा है। बाकी स्टेज को सजाया गया उस तरफ, लेकिन भाई उस तरफ जाना अभी पॉसिबल नहीं है, जाएंगे तो भाई ट्रेन छूट जाएगा, यही बात है भाई साहब। और बाकी देख लो उस तरफ भी स्कूली बच्चों को ना इंटर दिया जा रहा है। बाकी चलते हैं अंदर और आपको दिखलाते हैं आरा जंक्शन से डिपार्चर। और कुछ होता है दिखाने को तो बीच में जरूर दिखलाएंगे। भाई डोर क्लोज होने वाला है भाई साहब, अभी लगता है बहुत लोग बाहर है। अंदर आ जाइए, ओ भैया उतर जाइए, बंद हो जाएगा गेट, फिर फंस जाएगा, फाइन लग जाएगा इस पे। उतर जाइए, देखिए बंद हो गया, अरे उतरिए उतरिए उतरिए, फाइन लगेगा। नहीं रुका, फंस गया ना, देखिए भाई साहब फंस गए भाई। उतरो 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 उतरो, आगे जाके उतरो भाई साहब, उतरो उतरो। देखो भाई क्या हो गया यार, मैंने बोला था बंद हो जाएगा गेट भाई साहब। भैया स्कूली बच्चे यहां पे आराम में जो है स्कूल के बच्चे चढ़े हैं, और ये लोग चढ़े हैं भाई साहब। अच्छा लग रहा है ना, अरे वाह, पहली बार चढ़ रहे हैं। तो जी डिपार्चर हो चुका है अपना आरा जंक्शन से, लगभग 5 मिनट हमारी ट्रेन यहाँ पे रुकी। वैसे कमर्शियल में हमारी ट्रेन जो है ना यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट रुकेगी। देख लो भाई आरा जंक्शन हमारा हरी झंडी हम लोग को दिखाई जा रही है। बाकी ये जो सांसद जी थे हमारे यहाँ पे, इन्हें नहीं हरी झंडी दिखलाई। फाइनली हमारा डिपार्चर हो चुका है आरा जंक्शन से। उससे पहले मैं सोचा आपको इस ट्रेन के वॉशरूम के बारे में दिखा दूं। वैसे तो सारा वॉशरूम सेम ही है, लेकिन मैं सोचा आपको दिखा दूं, अगर जो नया व्यूअर देख रहे हैं शहर में, इस वीडियो को कोई नया व्यूअर देख रहा है उनके लिए ये वॉशरूम का टूर होगा। फिलहाल जैसे ही आप लोग अंदर आएंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ये आप लॉक कर सकते हैं इसको। बाकी ऐसे ही आपको एक वॉश बेसिन मिल जाएगा, वॉश बेसिन और साथ में ये टैप, टैप में पानी आ रहा है। और सामने की ओर एक प्रीसीडियस मिरर मिल जाएगा भाई साहब आपको। बाकी ये आपको मिल जाएगा एक हैंडल, यहाँ पे आप अपना टॉवल हैंड कर सकते हैं, टॉवल हैंग कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा सोप, सोप डिस्पेंसर हो गया। बाकी ये हो गया अपना हैंड ड्रायर, और ये अपना हो गया बॉम्बिंग वाला एरिया हो गया भाई साहब। बाकी यह फ्लश जरूर कीजिएगा आप लोग ऐसे इसको दबाकर, बहुत लोग नहीं जानते इसके बारे में, ऐसे फ्लश कर दीजिएगा ना तो वो क्लीन हो जाएगा। बाकी यहाँ पे दिया हुआ है एक रिफ्रेशमेंट, और बाकी ये हो गया अपना फायर एक्सटिंग्विशर, इसको चेक करते हैं कि भाई ये चलता है कि नहीं। चल रहा है भाई, बिल्कुल चल रहा है। वन वर्ड में बोलूं तो भाई साहब वॉशरूम एक नंबर। तो जी हमारा अराइवल हो रहा है बक्सर रेलवे स्टेशन पर। फिलहाल पहुंच चुके हैं बिहार के बक्सर रेलवे स्टेशन पर। और भाई साहब जो लोग आरा में चढ़े थे उनको यहाँ उतार दिया गया है, जो लोग पटना में चढ़े थे उन्हें आरा उतार दिया गया है। तो फिलहाल बात करें बक्सर रेलवे स्टेशन के बारे में, तो इसका स्टेशन कोड हो गया BXR। और यहाँ पे हमारी ट्रेन का पहुंचने का टाइम था भाई, टाइम तो मेरे का कोई नहीं पाएगा, लेकिन 50 मिनट की देरी चली हमारी ट्रेन। इनॉगरल जर्नी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे मैं बता दूं अपनी ट्रेन का नंबर के बारे में तो 023:45 हो गया, अभी लगभग 11:05 हो रहा है और हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है बक्सर। लोग जो है ना चढ़ रहे हैं, जो बच्चे यहाँ के स्कूल के बच्चे हैं इसका। जय श्री राम, जय श्री राम। देख रहे हो बच्चों में उमंग भाई साहब, और लोग जो है ना पुल पे खड़े होकर भाई साहब ब्लॉग बना रहे, वीडियो बना रहे, कितना मजा आ रहा है भाई। तो जी फिलहाल 3 मिनट के लगभग हॉल्ट के बाद हमारा डोर जो है ना क्लोज हो चुका है बक्सर से। तो जी बक्सर पे भी बहुत सारे हमारे स्कूल के बच्चे जो है ना, हेलो सबको, हेलो, कैसा लग रहा है ट्रेन, कैसा लग रहा है कलर, अंदर आके कैसा लग रहा है, सीट अच्छा लग रहा है ना अंदर। चलिए यहीं से जो है ना हमारा हरी झंडी दिखलाएं, जो भी माननीय सांसद महोदय थे यहाँ पे, विधायक जो भी थे, उन्होंने यहाँ पे हरी झंडी दिखलाई है भाई। देख लो भाई, अश्विनी वैष्णो जिंदाबाद। आ गया, अरे यार ले लिया ना अपने। कौन सी ट्रेन है, ट्रेन कौन सी है यार। तो फिलहाल परमिशन लेके हम लोग इंटर हो रहे हैं केबिन में भाई।
ऐसा सबको नहीं मिल रहा भाई, सिर्फ अमीर सर के वजह से। हम जो है ना अंदर जा रहे हैं भाई साहब, सर हमें लेके जा रहे हैं। बाकी देख लीजिए, ये हो गया अपना केबिन। बाकी देख लो भाई क्या लग रहा है केबिन यार। वैसे दिलदार नगर में हमारा स्टॉपेज नहीं था, यहाँ पे सिर्फ इनॉग्रल हॉल्ट है। अपने डीआरएम सर जो है ना यहाँ पे उतर रहे हैं, नहीं तो अगर बक्सर आरा से खुलेगी तो सीधे रुकेगी अपनी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। आपने मजेदार केबिन राइड तो देखा ही होगा, कैसा लगा आपको केबिन राइड? पहली बार मैंने केबिन राइड किया भाई साहब, वो भी वंदे भारत का। गार्ड केबिन राइड तो किया था मैंने, लेकिन भाई आगे से लोको पायलट के साथ जो मैंने मजा किया ना भाई साहब, आपको कैसा लगा उसका कमेंट कर जरूर करना उसका कमेंट। और भाई साहब हम लोग पहुंचने वाले हैं अपने तीसरे हॉल्ट यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पे, तो आपका उसका अराइवल दिखा दीजिए। बाकी डोर तो अभी क्लोज है, लेकिन आपको अंदर से ही मस्त अराइवल दिखलाते हैं। तो जी हमारा अराइवल हो रहा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, देख लीजिए। तो जी पहुंच चुके हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। तो जी फाइनली लगभग पटना से 211 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड हो गया DDU। और यहां हमारी ट्रेन आई है पटना से सिर्फ 2.5 घंटे में भाई साहब, 9:41 में हमारी ट्रेन खुली थी और हमारी ट्रेन यहां पे आई है भाई 12:00 एकदम बिल्कुल डॉट टाइम। और भाई यार यहां पे जितने हमारे ECR के जो भी ऑफिसर्स थे ना, उनका यहां पे जो है ना डिबोर्ड हो गया, क्योंकि हमारा ECR जोन जो है सिर्फ पंडित दीनदयाल तक ही है। और बाकी यहां से जो है ना नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जो है ना कंट्रोल कर लेगा हमारी ट्रेन को, और जो भी ऑफिसर्स इसमें चढ़ेंगे वो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के चढ़ेंगे, क्योंकि ECR का जो भी है ना यहां पे खत्म हो जाता है। देख लो यहां पे जो भी है ना प्रोग्राम हुआ था भाई साहब, देख लो ये हो गया अपना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन का रेलवे स्टेशन। प्लेटफॉर्म नंबर नहीं था, प्लेटफॉर्म नंबर 3 है भाई साहब। भाई गेट बंद होने से पहले हम लोग अंदर आ गए, चलो भाई अगर गेट बंद हो गया ना तो भाई सीधा आपको क्या बोलते पटना ही मिलेगा हम लोग। और भाई लोग चढ़े हैं, कहाँ से चढ़े आप लोग, कौन से? यही से, DDU से। अच्छा कैसा लगा ट्रेन, कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा ना? अरे आप तो NCA में है ना, आप रेलवे में है, ईस्ट सेंट्रल। अच्छा चलिए ठीक है। बाकी दोस्तों हमारी डोर जो है ना पंडित दीनदयाल उपाध्याय में लगभग 10 मिनट हमारी ट्रेन रुकी, डोर जो है क्लोज हो रहा है, डोर जो है बंद हो चुकी है पंडित दीनदयाल में, लगभग 10 मिनट हमारी ट्रेन रुकी भाई साहब। तो जी देख लो फाइनली हमारा डिपार्चर हो चुका है पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन से। बहुत ज्यादा क्राउड था यहाँ पर भी, बहुत सपोर्ट मिला इसे यहाँ पर भी, और सामने हमारी लगे लोकल। और अभी पंडित दीनदयाल से निकलने के बाद हम लोग का जो रूट होगा वो हम लोग चले जाएंगे वाराणसी रूट पे, और यहाँ से भी बहुत मेन लाइन के सीधे हम लोग निकल जाएंगे कानपुर होते हुए दिल्ली के लिए, और यहाँ से भी वाराणसी होकर हम लोग जाएंगे अयोध्या वाले रूट पे। तो अभी हम लोग बढ़ेंगे वाराणसी वाले रूट पे, तो उस रूट पे पड़ेगा हमारा गंगा ब्रिज, तो वो मेन चीज है वो तो आपको दिखलाएंगे। तो जी हमारी ट्रेन इंटर हो चुकी है गंगा ब्रिज यानी अपना वाराणसी से काशी से पहले जो ब्रिज आता है ना उस पे भाई साहब देख लो यार, यहीं पे बहुत ज्यादा फोन स्नैचिंग होता है। बाकी आपको गार्ड केबिन से भी लुक दिखला देते हैं, चलिए फटाफट गार्ड केबिन में अगर मिलेगा मौका तो। तो जी गंगा ब्रिज को क्रॉस करने के बाद मस्त केबिन क्रॉसिंग के साथ हमारा अराइवल हो रहा है वाराणसी जंक्शन पे, तो एंजॉय कीजिए वाराणसी जंक्शन पे हमारा अराइवल।
225 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद पटना से हम लोग पहुंच चुके हैं वाराणसी जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड हो गया BSB। और मैं थोड़ा सा आपको आगे से इसका लुक दिखाना चाहता हूं वाराणसी में। भाई साहब मौका नहीं मिलेगा बाद में, वाराणसी जंक्शन पे अपना अराइवल हो चुका है वंदे भारत का। और मैं बात करूँ वाराणसी जंक्शन के बारे में, तो हमारे महाकाल शिव जी का ये नगरी हो गया, सबसे पुराना सिटी हो गया इंडिया का। अगर आप लोग आते हैं तो सबसे पहले दर्शन कर लीजिए काशी विश्वनाथ मंदिर में। और भाई क्या अभी तक इस ट्रेन में भाई बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि हमें थकान हो रहा है, भाई बहुत मजा आ रहा है यार। ट्रेन यहाँ पे आइए 1:10 पे प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे। तो जी सिग्नल हो चुका है हमारा वाराणसी जंक्शन पे, लगभग हमारी ट्रेन जो है 5 रुकी है। बाकी दोस्तों हमारा फाइनली डिपार्चर हो चुका है वाराणसी जंक्शन पे। जी वाराणसी से निकलने के बाद हमें सर्व कर दिया गया है हमारा आज का लंच, लगभग दोपहर के 2 बज रहे हैं और हमें जो है ना आज का लंच दे दिया गया है। तो आपको दिखला ही देते हैं क्या क्या हमें मिला है। तो भाई साहब देख रहे हो पैकेजिंग पूरा IRCTC जो है ना इसको कंडक्ट करा रहा है। बाकी क्या मिला है बता देंगे अंदर से खोलकर। इसमें तो रोटी लग रहा है, ये दही हो गया हमारा मीठा में। और बाकी इसको खोलते हैं अनरैप करते हैं उसके बाद आपको दिखलाते हैं। तो जी देख लो पूरा अनरैप कर दिया हमने और देख कर तो मुंह में पानी आ रहा है भाई। देख रहे हो ये हो गया अपना जीरा राइस हो गया, इसमें मटर भी है हरा मटर। ये एक हो गया अपना सूखा सब्जी और यहाँ पे हो गया अपना दाल, दाल का डेंसिटी भी अच्छा लग रहा है। और ये हो गया अपना पनीर का सब्जी और इसमें पनीर दिख रहा है ना आपको, 3-4 पनीर है। और साथ में ये हो गया अपना 2 पराठा, साथ में ये अपना कटलरीज भी यहाँ पे दिया हुआ है, इसको भी निकाल ही लेते हैं भाई। तो फिलहाल देख लो भाई साहब दाल का डेंसिटी देख रहे हो भाई कितना मज़ेदार लग रहा है और पनीर भी भाई अच्छा लग रहा है यार देखने में। बाकी अपना जीरा राइस हो गया, ये अपना एक सूखा सब्जी हो गया, साथ में मैंने बताया 2 पराठा हो गया। भाई देखकर मुंह में पानी आ रहा है, आज पहला इनॉग्रल है भाई। पहले तो हमें पानी का बोतल दिया गया, एक मैंगो जूस दिया गया, साथ में एक छाछ भी दिया था वो दिख लाना मैं भूल गया। फिर हमें स्नैक्स दिया गया जिसमें कचौड़ी हो गया, बाकी वेफर्स जो पैक्ड आइटम था वो तो मैंने दिखाई, साथ में ये लंच। भाई साहब इनॉग्रल जर्नी में भाई खाने को तो आपका पेट भर जाएगा बता देंगे भाई। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं, उसके बाद आपको इसका टेस्ट बता, टेस्ट ऐसा रिव्यू नहीं करेंगे भाई, आज कोई रिव्यू नहीं होगा क्योंकि आज इनॉग्रल जर्नी है। इसे खाते हैं, फिनिश करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं सीधा अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन। और उससे पहले जो भी दिखलाने को होगा बीच में इस स्टेशन का स्किप वो दिखलाएंगे, नहीं तो सीधे आपको दिखलाएंगे अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पे अराइवल। देखते ही देखते हमारा अराइवल हो रहा है अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, प्रभु श्री राम की नगरी, माया नगरी हमारी अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पे। हमारी ऑरेंज कलर की वंदे भारत का खूबसूरत सा अराइवल हो रहा है भाई साहब, क्या बात है भाई, जय श्री राम। सभी लोग कमेंट में लिख दीजिएगा एक बार जय श्री राम। नहीं, लगभग पटना से 418 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हमारी पटना लखनऊ वंदे भारत पहुंच चुकी है अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, जिसका भाई हाल फिलहाल में ही उद्घाटन हुआ है। इसका भी मैंने आपको ब्लॉग बनाकर स्टेशन टूर बनाकर दिखलाया था, वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया भाई साहब अपना अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन। देख रहे हो पूरा अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम जो है ना जारी है, पिछली बार आया था तो वो बना नहीं था ऊपर वाला, लेकिन अभी पूरा कंप्लीट हो चुका है। और क्या ही भीड़ है अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर, देख रहे हो, देख लो भाई। भाई भैया राहुल भैया अगर उधर से अगर गाड़ी रुकेगी तो पकड़ लीजिएगा, ठीक है ना, मैं फोन करके बता दूंगा, ठीक है ना, नाम बता दीजिए। तो भाई साहब हमारी डोर जो है क्लोज हो चुकी है अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर, देख लो भाई बहुत ज्यादा ही क्राउड था यहाँ पे। यहाँ पे राम मंदिर दर्शन करने के लिए भाई शुरू से ही जब से उद्घाटन हुआ है ना तब से ही, बाय बाय बाय, मिलेंगे अगर गाड़ी रुकेगी तो। तो जी फाइनली कंप्लीट डिपार्चर हो चुका है हमारा अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से, जय श्री राम। तो जी अयोध्या धाम से हमारा डिपार्चर हो चुका है, अब हमारा जो डिस्टेंस बचा है गोमती नगर का वो लगभग 155 किलोमीटर डिस्टेंस है अयोध्या धाम से। तो मैं क्या सोच रहा हूँ इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, बाकी अपनी ट्रेन जो है गोमती नगर जाएगी, फिर गोमती नगर से वापसी हम इसी से करेंगे पटना के लिए। लेकिन इस वीडियो को मैं सोच रहा हूँ यहीं पर रखें। तो कैसी लगी आपको ये इनॉग्रल जर्नी की वीडियो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, और एक बेस्ट पार्ट इस वीडियो का आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कौन सा आपको ये वीडियो का पार्ट अच्छा लगा। बाकी अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं इस ट्रेन में अगर जर्नी करने के लिए तो 18 तारीख से आप लोग के लिए यानी पब्लिक के लिए ये ओपन हो जाएगा, कमर्शियल रन स्टार्ट होगा इसका 18 तारीख से। तो जी रखते हैं इस वीडियो में यहीं तक, और एक बार कमेंट मैंने बताया रख देना, ऐसी और वीडियो देखने के लिए, ऐसी और मजेदार ट्रेन जर्नी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद फ्रॉम वंदे भारत एक्सप्रेस।